अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का हमारा टॉपिक है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एग्जांपल है हमारे पास 20.5। फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनाइन दी कॉन्टिनेंट ऑफ सैंपल ऑफ आपा पाउडर ईच मैन टेकिंग अ सैंपल ऑफ सिक्स कंसिगमेंट देयर असेसमेंट आर ऑब्जर्वेशन एंड कंसिगमेंट। उन्होंने हमें कॉलम दी हैं 6, रोज दी हैं उन्होंने 4, ठीक है। कॉलम हमारे पास 6 हैं और रोज हमारे पास हैं 4। नेक्स्ट देखते हैं, परफॉर्म अ टू अवे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑन दीज एंड डिस्कस वेदर देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसिगमेंट और बिटवीन ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 है, वी सेट अप द टू नल हाइपोथेसिस कोरस्पोंडिंग टू द प्रॉब्लम दैट ए पार्ट है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसिगमेंट, सेकेंड पार्ट है बी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एज एच नॉट हमारे पास है म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 6 तक एंड एच नॉट हमारे पास है म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4। डी कोरस्पोंडिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन बी एच 1 हमारे पास है नॉट ऑल म्यू आर इक्वल, एच 1 है नॉट ऑल म्यू आर इक्वल। सेकेंड पार्ट है हमारे पास वो चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट एट 0.05। अल्फा हमारे पास 0.05, अगर हमारे पास अल्फा गिवन नहीं होगा तो हमने क्वेश्चन में अल्फा 0.05 यूज़ खुद करना है। दी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू यूज़ आर F1 हमारे पास ये 2, हमने टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फाइंड करना थे। F1 एस्टिमेटेड वेरिएंस फ्रॉम बिटवीन कंसिगमेंट सम स्केल डिवाइडेड एस्टिमेट वेरियंस फॉर फ्रॉम एरर सम ऑफ स्केयर, S1 का स्केयर डिवाइडेड बाय S3 का स्केयर एंड F2 एस्टिमेट वेरियंस फ्रॉम बिटवीन ऑब्जर्व SS सम स्केयर, S2 डिवाइडेड बाय S3 का स्केयर विच हैव F डिस्ट्रीब्यूशन विद V1 हमारे पास 5 है, V2 हमारे पास 15 है एंड V1 हमारे पास 3 है एंड V2 हमारे पास है 15। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है रिस्पेक्टिवली व्हेन द नल हाइपोथेसिस आर ट्रू। नंबर 4, ये उन्होंने हमें डाटा दिया था, जो हमारे पास डाटा है रो हमारे पास थी 4, कॉलम हमारे पास थे 6। हमने जो उन्होंने हमें डाटा दिया था हमने उसका स्केयर ले लिया, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 9 का स्केयर 81, 10 100, 11 का 121, 11 121, ये हमने सारे इनके नीचे क्या ले लिए स्केयर ले लिए, ठीक है, जो डाटा उन्होंने हमें गिवन दिया था। अब TIJ का मतलब है कि ये जो उन्होंने हमें नंबर दिए थे ना क्वेश्चन के, 9 10 9 10, 11 11, 12 सेकेंड रो में 12 11, इन सब को हमने प्लस किया रो वाइज 9 12 11 एंड 12 को प्लस किया मेरे पास 44 आ गया, इसका हमने स्केयर लिया 44 का तो 1936 आ गया। जब हमने इन 4 वैल्यू को प्लस किया रो में जो थी कॉलम के अंदर 1 कॉलम के एक्स को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 44, 44 का जब हमने प्लस किया इसका स्केयर लिया TIJ का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1936। इसी तरह हमने सेकेंड रो के एक्स को प्लस करना है, एक्स की वैल्यू हमारे पास इन्होंने गिवन दी है, ये देखिए 10 11 10 13, इन चारों वैल्यू को हमने प्लस किया 44 है, इसका स्केयर लिया हमारे पास 1936 आ गया। एंड देन 3 कॉलम भी हमने इसी तरह 4 भी 5th भी एंड 6 भी, ये हमारे पास आ जाएंगे सारे TIJ। पहले हमने डाटा को कॉलम वाइज किया था, अब हमने डाटा को रोज वाइज प्लस करना है। आप 9 10 9 10 11 11 को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास 60 आ गया,
सेकंड रो को जब हमने प्लस किया 12 11 9 11 10 10 को जब हमने प्लस किया 63 आ गया। थर्ड को भी हमने इसी तरह रो को करना है, फोर्थ रो को भी हमने इसी तरह, इन सब का सम करना है 259। कॉलम के सम का आंसर भी 259 होना चाहिए और रो के भी आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 259 ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके स्केयर का आंसर सेम नहीं आएगा, ये देखें इनके स्केयर का आंसर सेम नहीं आ रहा हमारे पास, सिर्फ जो हमने प्लस करनी है हमारे पास सिर्फ उनका ही आंसर सेम आएगा 259, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने भी इसका स्केयर लिया। स्केयर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें समेशन एक्स स्केयर की ज़रूरत है, समेशन एक्स स्केयर आई जे आई, ये 81 जो हमने इनके स्केयर लिया। अब हमने इनका प्लस करना है और नेक्स्ट कॉलम हमने ये बनाई है। अब हमने इनके स्केयर को प्लस किया, हमारे पास 604 आ गया रो, फर्स्ट रो का आंसर। सेकंड रो के स्केयर को जो हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 667। थर्ड रो का हमने प्लस किया 636 आ गया। फोर्थ रो का प्लस किया 874 आ गया, ठीक है। अब समेशन एक्स के स्केयर का हमने सम लिया तो हमारे पास 2831 आ गया, ओके। नेक्स्ट, अब हमने कॉलम वाइज करने हैं। स्केयर को प्लस 81 141 121 144, इन सब का प्लस किया हमारे पास 490 आ गया। इन सब के स्केयर को हमने प्लस किया 490 आ गया। थर्ड रो कॉलम को हमने प्लस किया 383 आ गया। फोर्थ कॉलम को हमने प्लस किया 561 आ गया। एंड देन फाइव कॉलम को एंड सिक्स कॉलम को हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद हमने इसमें स्केयर को हमने पूरे को प्लस किया तो हमारे 2831 आंसर इसका आ गया। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास 2831 हमारे पास आंसर ठीक आया है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं। ये देखिए ये और ये हमने चेक किया, हमारा आंसर सेम है, यानी कि हमने बिल्कुल प्लस जो सा कि हमने इनका बिल्कुल ठीक किया, स्केयर सब कुछ हमने ठीक किया। अब हमने इसका फॉर्मूला लगाने हैं, फॉर्मूलाज में यूज़ करने हैं। टोटल सम स्केयर इज इक्वल या डबल समेशन एक्स आई जे का स्केयर माइनस टी का स्केयर डिवाइडेड बाई आर सी। टी का स्केयर डिवाइडेड आर सी का आर रो और सी कॉलम। रो आर रोज हमारे पास कितनी थी, 4 थी और कॉलम हमारे पास कितने थे, 6, ठीक है। टी आई आई का मतलब है कि हमने ये एक्स के जो वैल्यू थी हमने वो हमने प्लस करनी है। ये देखें टी, ये जो 259 है, टी के हमने वो वैल्यू रखनी है। 259 का स्केयर करेंगे डिवाइडेड बाय 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे